खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकेशन भी मैंने बहुत अच्छी लिया है, लोकेशन है जैसे लखनऊ की और ये नैनी वहाँ पे सॉरी शिमला में शूट किया है इसको। जो है गाने बहुत अच्छे मैंने बनाए हैं पूरा, और फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है और स्टोरी बहुत अच्छी है पूरी। जैसे कि जी ये एक बहुत ही स्टोरी जो है, हमने हमेशा बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है, बट इसमें बाप बेटे की बॉन्डिंग दिखाई गई है, उनके रिलेशनशिप पे है। उनका मतलब जो फादर होते हैं वो बेटे को हमेशा समझाते हैं कि सही वक्त है, संभल जाओ, लेकिन वो नहीं संभलता है। वो संभलता तब है जब सब ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए जब बुज़ुर्ग जब समझाएँ तो उस वक्त समझना चाहिए, क्योंकि फिर वक्त निकल जाता है तो कुछ नहीं बचता है। जो एक्टर है मेरा रोबिन सोही मेन लीड में है, और उसकी दो मूवी हैं मार्केट में, बाकी सपोर्टिंग में अपना जैसे रतन राठौर हैं, मनोज बख्शी जी हैं, और बाकी और हैं रवि सुधा चौधरी, रिशा चैक्स एंड रीदम भारद्वाज, ये सब हैं उसमें। कोई भी जैसे काम करो, बड़ा काम करो, तो उसमें परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, और इसमें जो टीम थी मेरी काफ़ी सपोर्टिंग और काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी कोऑपरेट किया, तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई, सब अच्छे से होता चला गया। तो जी म्यूजिक पे म्यूजिक गया, तो क्या इसे को उपलब्धि मानते हो आप? मेरा मतलब सपना था कि जो म्यूजिक है मेरा, जैसे टी सीरीज हो या जी म्यूजिक, मतलब कोई बड़ी कंपनी से लॉन्च करूँ, तो वो गॉड की वजह से, भगवान दुआ से जो है सब अच्छे से हो गया मेरा। जी ने सपोर्ट किया, जी के लिए भी थैंक्स है, जी वालों को मैं बोलती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। जी भी एक अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। तो फिल्म चलो एक प्रोड्यूसर के लिए फिल्म बनाना आसान है, कहता है हाथी है इसको पालना बहुत, बिल्कुल इसको मार्केटिंग वगैरह क्या प्लान्स वगैरह किया आपने? फिल्म बनाना वाकई में बहुत ही कठिन काम है। एक फिल्म बनाना बोले तो जैसे 10 लड़कियों की शादी करना बराबर है, और काफ़ी ये मेरी पहली फिल्म है देखा जाए तो, इतना बड़ा काम मैंने पहला किया है, परेशानियां बहुत सारी आई और सपोर्ट काफ़ी जिससे मुझे मिला, जैसे माही जी ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया, डायरेक्टर साहब हैं सनोज मिश्रा जी, वो भी सपोर्ट किए, बाकी जो मेरी टीम है, जो एक्टर्स हैं, वो भी सपोर्ट किया। जैसे मान के चलो 8 घंटे काम करना, 8 घंटे जगह मैंने 12 घंटे काम कराया, सब हंस के मतलब काम किए, इसकी वजह जो भी है, जो कुछ भी अच्छा हुआ सब सबके सहयोग से हो पाया है। एक्चुअली मैं 2010 में करीब आया था बॉम्बे एक्टर बनने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगाना पड़ता है जैसे ऑडिशन देने के लिए भी, तो मेरे से मतलब ये सब नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि एक इजी लाइन चुनो जो है, मतलब बिना मतलब जैसे कि संघर्ष करे, या जैसे एक्टिंग लाइन में बहुत ही संघर्ष है देखा है मैंने जो है। इसलिए कहूँ कि प्रोड्यूसर आप खुद हो तो मतलब एक्टिंग, हाँ, तो वही मैंने यही सोचा कि मैं ऐसी लाइन चुनूँ जो मैं सबको काम दे सकूँ और खुद जैसे काम करना चाहूँ मैं खुद काम कर सकूँ। हाई, दिस इज़ वर्षा चौहान एंड आई लाइक दिस वर्क सो मच। मैंने मिस्टर सनोज मिश्रा का पहले भी काम देखा है, मुझे बहुत पसंद आया, और अभी अभी का जो इन्होंने काम किया है ये तो मतलब लाजवाब है, और मुझे उनकी सिंक्रोनाइजेशन, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटिंग, सब एवरीथिंग, मतलब म्यूजिक, और स्पेशली जो सिंगर है, मतलब काफ़ी फील से गाते हैं वो, मुझे बहुत पसंद आया उनका काम, और मैं होप करती हूँ कि इनका ये एल्बम बहुत सक्सेसफुल हो जाए और काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल हो। नवाब इसलिए नाम रखा है इस मूवी का क्योंकि लफंगे जैसा काम करते ये लोग, इनका म्यूज़िक बैंड है इस मूवी में, एंड जैसे कि इनका पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और बेटा को भी उनके पापा जैसा बनना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपने फैमिली जो बोलते हैं या फिर पापा जैसे रहते हैं, मतलब उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो लफंगे नवाब है, क्योंकि उनका जो बेटा है, हम लोग उनका एक ग्रुप होता है 5 लफंगे,
तो वो लोग बिगड़ा हुआ रहता है, लाइक उनका म्यूज़िक बैंड होता है। और लाइफ में जिसको जो भी पसंद है कुछ भी करियर में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने फैमिली का भी सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने मम्मी डैडी का भी रिस्पेक्ट करो, अपना फ्रेंड्स का भी रिस्पेक्ट करो, हर एक चीज़ अच्छे से करो, बट सब कुछ मेंटेन करके करना चाहिए। और सो इन लोग 5 लफंगे हैं हमारे मूवी में। सो मैं एक बाहर से आती हूँ, उनके बीच में थोड़ा ट्राइंगल क्रिएट करती हूँ, एंड देन जेलेसी एंड लव। हाँ, सनम जी बहुत अच्छा इंसान है, एंड मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम की हूँ। ऐसे ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा था, उन्होंने कभी डांटा नहीं काम करते करते। और क्या बोलते हैं, बाकी तो ऑन स्क्रीन अच्छे से काम किया। कभी भी एक शॉट में अगर मैं अपना क्या बोलते टेक नहीं दे सकती हूँ, सो वो हमेशा बोलते कोई बात नहीं बेटा और एक शॉट लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा इंसान है। और लाइफ में हर एक चीज़ हम लोग को अलग ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिलते हैं हर एक चीज़ का। सो और इन अच्छा है ना, लाइफ में सबको समझना चाहिए, सबको जानने का मौका मिला मुझे इस मूवी में। जो रिदम है लीड कैरेक्टर उसका, मेरा भी लीड है, दोनों का सेम है, लीड कैरेक्टर है। और एक दूसरे को जानने का मौका मिला, जो रॉबिन है उसको भी जानने का मौका मिला, एंड अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। सेट पे सिर्फ एक ही चीज़ याद है, हम लोग कभी टाइम पे नहीं पहुँचते थे, क्योंकि हम लोग सब अनप्रोफेशनल है, मैं और रिदम, बाकी और भी सेट पे ऐसे लोग हैं जो अनप्रोफेशनल है। फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट ये प्रोजेक्ट था, बाकी तो रॉबिन ने ऑलरेडी मूवी कर चुके हैं, वो मुझे बताए थे। सो वो फिर भी हम अपने बात कर रहे ये फनी लगता था, कभी भी जो भी टाइम पे बोलते थे कैमरा इतने बजे ऑन होना है, बट नहीं होता था। और एक दूसरे से वो नहीं आया, उनको पहले बोला वो नहीं आया, मतलब काफ़ी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, बाद में सब हैप्पी एंडिंग। मेरा नाम है रितम भारद्वाज और लफंगे नवाब, यहाँ बहुत बड़े लफंगे हैं इस फिल्म के अंदर। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत स्वीट सी लड़की का है, जो बहुत कम बोलती है लेकिन इस फिल्म में गाना गाती है, और म्यूज़िक लवर है, नाम है उसका रिदम, मेरे नाम से बहुत ही मिलता जुलता है। लेकिन शी इज़ ट्रू टू हर वर्ड्स, मतलब उसका कैरेक्टर जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशंस आई है वो सबसे आगे रही है, और एंड में भी इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने में उसका पूरा हाथ रहता है पूरा, एंड इट्स अ लव लव एंड ट्रायंगल। जी, वो एक तो हमारे खाते पीते वाले शेर है उसके अंदर, ड्रामर, फिर जो भी आप जिनसे थोड़ी देर पहले मिलेंगे, लरीसा, उसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर आता है ट्विस्ट, जेलसी आती है जब उनका कैरेक्टर जब वो एंटर करती है फिल्म के अंदर। और अपने जो मेन लीड हैं साथ में, जो मेरे को एक्टर है रॉबिन, ऑफ स्क्रीन तो मस्ती रही लेकिन ऑन स्क्रीन भी, तो वो जी रियल लाइफ में और फिल्म में कर रहा हूं मैं। है वो जैसे शांत है, मैं उतनी ही बातों नहीं हूँ, वो जितनी शाय है मैं उतनी डेयरिंग हूँ, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन उसके अंदर से कहते ना, मतलब एक शाय कैरेक्टर, लेकिन जैसे सिचुएशन आती है जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो कब शेर नहीं बनने को भी तैयार है भाई, यू नो लाइक, अब जहाँ पे प्यार को खतरे में आया है तो वो भागी है, वो पूरा यू नो एक्शन थोड़ा बहुत हुआ, ट्यूबलाइट से फोड़ा है, ये सब चीज़ें करी है, तो मतलब इन सब चीज़ों से भी डरी नहीं, पीछे नहीं हटी, तो शी इज़ लाइक द ओनली ट्रू टू हरसेल्फ, लाइक द कैरेक्टर जो है वो, जो मतलब वो शुरू से लेकर एंड तक उसका बड़ा सटल रहा है। जी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, यू नो एक्साइटेड हूँ, और मेरी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पे थी जब मेरे को गाना देखने को मिला, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को इस सॉन्ग से मतलब हमेशा से ना एक्सपेक्टेशन रही है, क्योंकि मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा है जो हमारा रोमांटिक है नंबर है, और जो दूसरा गाना भी है उसकी बीट्स एंड ऑल द सब, आप बट आई डोंट नो, मैं तो बस वेट कर रही हूँ कब अपनी मम्मी पापा को सुना सकूँ कि कब वो लिंक आए। वेरी कोऑपरेटिव, लाइक वो फैमिली की चेक कैश मिल गया।
नहीं, ये लोग फैमिली की तरह है यार, कभी भी कुछ भी इशू हुआ हम लोगों ने सबने आराम से बात करी है, मिले हैं, साथ में बैठ के खाना खाया है, और ज़रूरत पड़ी तो हमारी माही जी तो ज़मीन पर बैठी हुई है शूट के सेट पर, जो हमने फ़ोटो खींच खींच करके रखी है। बट अभी मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो ऑफकोर्स मेरी उम्मीदें हैं हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, एंड आई होप कि इट एक्चुअली डज वेल। एंड म्यूज़िक से तो मतलब आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब मेरे को तो वॉज एक्साइटेड, क्योंकि वो एक एक ऐसा टाइम है जब मुझे पूरा लखनऊ घूमने को मिला है, तो वो सबसे ज़्यादा, जैसे अम्बेडकर पार्क गए हम लोग, तो आई थिंक उस सॉन्ग की वजह से मेरे को काफ़ी कुछ घूमने को मिला, क्योंकि बाकी हमारे कुछ सीन्स ऐसे ऐसे हैं कि इतनी लोकेशन नहीं चेंज हुई हैं, बट या दैट वॉज द मोस्ट सफल कर दिया उसने मेरा पूरा ब्यूटिफुल जर्नी।